तो फ्रेंड्स इस समय मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ गया हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय मैं कि अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ गया, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल में टाइम डेट कैसे सेट कर सकते हैं। आप किसी भी मोबाइल में या ओप्पो को किसी भी मोबाइल में आप टाइम डेट कैसे सेट कर सकते हैं। कभी कभी हम लोग सेट नहीं कर पाते, हमको प्रॉब्लम हो जाती है। तो वही फ्रेंड्स आज हम आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। यदि आपका टाइम डेट जो है 24 से 24 हो गया तो उसे आज यही बताने वाला हूँ कि मैं आप 24 से जो है 12 आवर्स कैसे कर सकते हैं, 12 आवर्स से 24 आवर्स कैसे कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि फ्रेंड्स यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह से वीडियो लाता रहता हूँ। यदि आप पहले सब्सक्राइब कर लिए हैं या लाइक कर लिए हैं तो धन्यवाद फ्रेंड्स। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको जाना है अपने मोबाइल के सेटिंग में। यहाँ पर जैसे मैं कि गया तो आप जैसे ही सेटिंग करेंगे में जाएंगे, यदि आप टच करेंगे सेटिंग के ऑप्शन में तो आपको जाना है, देख सकते हैं आपको मोर सेटिंग में या एडिशनल सेटिंग में। तो हम एडिशनल सेटिंग में चले गए जो कि हमारा ओप्पो मोबाइल है, तो यहाँ पर हमारा एडिशनल सेटिंग दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ओपन हुआ, देखिए जैसे हम एडिशनल सेटिंग पर टच किए तो हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर इस तरह से आ गया। तो दूसरा नंबर जो कि लिखा है टाइम एंड डेट, हमको उस पर क्लिक करना है। तो देखिए हम वहां पर टच कर दिए, अब यह इस तरह से आ गया। जैसे हम टाइम एंड डेट पर क्लिक करते हैं तो हमारे स्क्रीन पर इस तरह से ओपन हो जाता है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर जो है कि 24 आवर्स जो है 24 आवर्स हमारा ऑन है। यदि हमको इसे बंद करना है तो फ्रेंड्स इसके हम हाफ कर देते हैं। आप देख सकते हैं अभी जो है कि हमारा इस समय 16:07 हो रहा था, इस समय हमारा जो है कि 4:07 होने लगा, क्योंकि हमने 24 आवर जो हमारा ओपन था उसे हम बंद कर दिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली सेट एंड टाइम एंड डेट। तो फ्रेंड्स ये जो है ऑटोमेटिक है, टाइम डेट सेट हो जाता है, इसे तो हम लोग को हमेशा ऑन करके रखना चाहिए। और डुअल क्लॉक है, इसे भी आप ऑन कर सकते हैं या हाफ कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम चालू करके रखता हूँ। तो यही फ्रेंड्स मैं बताने वाला था। यदि वीडियो को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा।